आज इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसा ग्रहण 178 साल बाद लगने जा रहा है, इसलिए यह कई मायनों में विशेष है। सूर्य ग्रहण आज दोपहर 2:29 पर लगेगा और इसका समापन शाम 6:32 पर होगा। लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत 4:22 से होगी। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत के कई शहरों में नजर आएगा। इन शहरों में नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा शामिल हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ चीजों की मनाही होती है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ कार्यों की खास तौर पर मनाही होती है। सूतक काल से सूर्य ग्रहण काल के दौरान तक गर्भवती महिलाएं किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची का इस्तेमाल न करें। इसके साथ ही किसी भी तरह की सिलाई कढ़ाई न करें। गर्भवती महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि इस समय घर में रहें और अगर किसी वजह से बाहर निकल रही हैं तो पेट के हिस्से पर गेरू लगाएं। मान्यता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर पड़ सकता है। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं सब्जी काटने से भी परहेज करें। साथ ही अन्य किसी ऐसे यंत्रों का भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में शारीरिक विकृति आ जाती है। ग्रहण काल में भोजन भी अशुद्ध हो जाता है, इस कारण ग्रहण के समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। ग्रहण या सूतक से पहले ही यदि सभी खाने वाले पदार्थों जैसे कि दूध, दही, चटनी, अचार आदि में कुछ रख देते हैं तो यह भोजन दूषित नहीं होता और आप पुनः इसको उपयोग में ला सकते हैं। अगर कुशा नहीं है तो तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी ग्रहण लगे उस दौरान तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ग्रहण के लगने के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लेना चाहिए। ग्रहण के अलावा रविवार और अमावस्या के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के स्वयं के गिरे हुए पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। ग्रहण के समय बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिला एवं रोगी को यथानुकूल खाना अथवा दवा लेने में कोई दोष नहीं लगता है। जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसके पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। सूर्य ग्रहण होने पर 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण लगने पर 5 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। सूतक काल को अशुभ माना गया है, इसलिए सूतक लगने पर पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ काम नहीं किए जाते। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप और ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान और दान किया जाता है। ग्रहण की समाप्ति होने पर पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी।